गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम सॉल्विंग निशी। फ्रेंड्स, इवनिंग के 4:30 हो चुके हैं और अभी धूप भी काफ़ी कम है, तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना देते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे देख रहे हैं, ये एक पिंक कलर का फ्लावर है। इस प्लांट का नाम है एक्सोरा, जो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से ब्लूम कर रहा है। ये मेरे पास पिंक एक्सोरा है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, वाइट, येलो, रेड, ऑरेंज। मेरे पास ये पिंक है और एक मेरे पास वाइट कलर का भी है, पर वो काफ़ी छोटा है तो अभी वो ब्लूम नहीं किया है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं इसके सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड, इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है, पर बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होना चाहिए। इसकी सॉइल जो होती है वो इस तरह की होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो मॉइस्ट है पर बिल्कुल सॉगी नहीं है। इसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो एसिडिक सॉइल के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप जो विनेगर होता है, जो हम लोग अपने घर में किचन में यूज़ करते हैं, वाइट विनेगर, एप्पल साइड विनेगर, आप उसे एक ढक्कन, एक मग पानी में डाल दीजिए और जितना बड़ा आपका पॉट है उसके हिसाब से आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए, तो इसमें फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उनका बेस एसिडिक होता है तो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। पर हाँ, आप इसे रेगुलरली करना है, पर हर 20 डेज पे। ये नहीं है कि वन वीक में आप डालोगे, तो ज़्यादा एसिडिक में प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी रूट्स जल भी सकती हैं। अब आते हैं इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में। इसको फर्टिलाइज़र अच्छे से दीजिए आप, ताकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। एप्सम सॉल्ट से अगर आप इन्हें बात देंगे या स्प्रे करेंगे, तो इसकी लीव्स काफ़ी शाइनी ग्रीन रहेंगी और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगी। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम और सल्फर का एक मिक्स होता है, जिसे एप्सम सॉल्ट कहते हैं। ये आपको ऑनलाइन बहुत आराम से कहीं पे भी मिल जाएगा और आप इसे अमेजन पे भी देख सकते हो। मैंने अभी अमेजन से मंगवाया है, जब मेरा आ जाएगा तो मैं आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसे ब्राइट लाइट पसंद है फ्रेंड्स, पर ये जो इतनी गर्मी वाली होती है, इसे डायरेक्ट सनलाइट से आप बचा के रखिए। ब्राइट सनलाइट अच्छी होती है, मॉर्निंग में आप इसे सनलाइट दीजिए 11-12 बजे तक, 11-12 बजे के बाद इसको शेडी एरिया में रख दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इसे सन की रोशनी मिलेगी तो इसके फ्लावर्स बर्न होने लगे हैं। अभी आप देखिए, मेरे यहाँ ग्रीन नेट लगा है तो मेरा एक भी फ्लावर बर्न नहीं है, नॉट सिंगल ये जो बर्ड्स हैं इसमें एक भी बर्ड बर्न नहीं है। अच्छा, और थोड़ी इन्हें ह्यूमिडिटी पसंद है, तो अगर आपके पास बहुत सारे गमले हैं तो उन्हें पास पास रखिए, ताकि उनमें ह्यूमिडिटी बनी रहे। आप देख सकते हो मैंने अपने सारे पॉट्स को काफ़ी बगल में रखा हुआ है, तो इसमें ह्यूमिडिटी रहती है, जिसकी वजह से इनकी जो सॉइल होती है वो जल्दी ड्राई नहीं होती। आप देखोगे, मैंने कल वाटरिंग की थी, कल इवनिंग में, और इनकी ड्राई नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, किसी की भी नहीं है सब, तो इन्हें ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप ये काम करो कि इन्हें सारे करीब पास पास रखिए, उससे क्या होगा कि ह्यूमिडिटी रहेगी तो पानी का जो उड़ना होता है वो नहीं उड़ेगा और इसमें ड्राइनेस नहीं आएगी। फर्टिलाइज़र के लिए आप इनमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए, और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं एनपीके। फ्लावरिंग के लिए ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए जिसमें फास्फोरस की जो वो होती है, परसेंटेज होती है, वो ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताया था, कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि इन्हें ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए जिसमें फास्फोरस ज़्यादा हो। फास्फोरस के लिए आप बोन मील यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको पिछले बार वीडियो में बताया था। नहीं पता होगा आपको तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक। और एक्सेल्स यूज़ कर सकते हैं, बोन मैन्योर होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो अब आती है फ्रेंड बात इसके प्रोपगेशन की। तो फ्रेंड्स, की कटिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, पर कटिंग्स लग सकती है। इन्हें ह्यूमिडिटी पसंद है, तो आप एक काम कर सकते हो, इनकी कटिंग्स लेके
आप उन्हें किसी भी छोटे से पॉट में लगा दीजिए एंड उसके ऊपर एक पॉलिथीन पैक कर दीजिए ताकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी बने रहे, और उसको बाहर नहीं ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे लाइट आती हो पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। ये जो एक्सोरा प्लांट्स होते हैं ये पेरिनियल होते हैं, मीन्स आप ये नहीं है कि चले जाएं और उसके बाद वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। इनकी केयर आप अगर थोड़ा कर देंगे तो ये बिल्कुल सर्वाइव कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ ये होती है कि काफ़ी ज़्यादा अगर आपके यहाँ ठंड पड़ती है तो प्लीज़ इस प्लांट्स को ठंड से बचाइए, क्योंकि मैंने अभी पिछले साल ख़ुद भी अपना एक एक्सोरा प्लांट ख़त्म कर दिया है, रेड कलर का था वो। काफ़ी ज़्यादा पिछली बार यहाँ ठंड पड़ी है तो मेरा प्लांट डेड हो गया। तो आप इन्हें ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ओस, मतलब ये पाला जब पड़ता है विंटर में, काफ़ी ठंड होती है जब जनवरी फरवरी में, तो वो ना पड़े, नहीं तो प्लांट आपका मर सकता है। अच्छा फ्रेंड, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके प्लांट क्या पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस। तो ये फ्रेंड एक्सोरा की कोई भी वैरायटी पॉइजनस नहीं होती है, क्योंकि आपके अगर छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं तो उनके लिए क्या प्लांट सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों ने मुँह में रख लिया लीव्स या फ्लावर रख लिया, या प्लांट्स आपके पेट्स ने खा लिया, तो आपको परेशानी हो जाती है, आपको डर लगता है कि क्या ये पॉइजनस था कि नहीं। तो एक्सोरा की कोई भी वैरायटी जो होती है वो पॉइजनस नहीं होती है, आप इन्हें अपने घर में बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसमें एक्सोरा में दो वैरायटी थी, एक चाइनीज़ वो थोड़ी सी डॉफ वैरायटी की होती है, और एक आती है जो श्रब वैरायटी की होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। ये मेरे पास छोटी वैरायटी का, ये देख लीजिए आप, ये बहुत छोटा प्लांट है और ये पूरे इसको पॉट को घेरा हुआ है, और इसमें पूरे एक एक जो आपकी ब्रांचेस सब में फ्लावरिंग दे रहा है। ये मेरे पास छोटी, मेरे पास एक और भी है वो भी काफ़ी छोटी वैरायटी का ही है, पर मुझे एक रेड कलर में चाहिए जो अभी तक मुझे नर्सरी में मिला नहीं है। वो उन्होंने बोला काफ़ी लेट में आता है, करीब बारिश के सीज़न में आता है, तो जब वो आ जाएगा तो मैं बिल्कुल आपको डेफिनेटली उससे भी दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा वीडियो एक्सोरा प्लांट पे और एक्सोरा प्लांट की केयर पे, फर्टिलाइज़र के बारे में। फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करिए, और अगर आपको हमारी नोटिफिकेशन चाहिए देन आप जो एक बेल बटन आता है उसे क्लिक करिए। उससे ये होगा कि आपको मैंने जो भी वीडियो बनाई उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।